लागू ही नहीं होगा तो पास किस लिए किया भैया? सत्ता में हो ना, फिर आप हर मंच पे जाके बोलते हो नारी शक्ति, बोलते हो अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ, जिन्होंने उसका शोषण किया, जिन्होंने उनकी हत्या की, उसको उनको संरक्षण कौन दे रहा है? मोदी जी बताएं। मोदी जी जब उत्तराखंड में आएंगे, जब मंच पे खड़े होंगे, तो पब्लिक मोदी जी से पूछे कौन संरक्षण दे रहा है। मोदी जी से पूछे कि जब हाथरस में वो कांड हुआ था, जब उस महिला को जलाया गया था बीच रात में, तो उन जिसने जलाया उनको संरक्षण किसने दिया? मैं गई थी, मैंने उस महिला के परिवार से बात की, उन्होंने मुझे बताया किसने संरक्षण दिया। आप मोदी जी से पूछिए किसने संरक्षण दिया। उन्नाव में जो हुआ, उन्नाव में एक लड़की को उसके साथ अत्याचार करने के बाद उसको जलाया गया, वो 1 किलोमीटर चली, जलते जलते चली। उसके परिवार से मैं मिली, परिवार ने न्याय मांगा। मैं पूछती हूँ कि उसके हत्यारों की का संरक्षण किसने किया? मोदी जी से पूछिए, मोदी जी से पूछिए कि जब एक फौजी की बीवी के साथ अत्याचार हुआ मणिपुर में, जब उसको उसका वस्त्र हरण हुआ और उसको ऐसे चलाया गया पूरे गांव के सामने, तो उन लोगों का संरक्षण उनको किसने दिया, किसने दिया? मोदी जी से पूछिए, मोदी जी से पूछिए कि जब ओलंपिक का मेडल जीत के आई, जो रेसलर्स थी महिलाएं जीत के आई, तब तो आपने चाय पिलाई उन्हें, घर बुलाया उनको, और जब सड़क पे बैठी कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, मोदी जी सुन लीजिए, मोदी जी 5 मिनट के लिए हमसे बात कर लीजिए, तो मोदी जी कहाँ थे? कहाँ थे मोदी जी? जब उत्तराखंड आएंगे मोदी जी, उनसे पूछिए कि ये जो आप नारी शक्ति की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? मोदी जी मतलब क्या है? आप कोई भी ऐसी बात करते हैं जिसमें गहराई है, जिसमें असली श्रद्धा है नारी के लिए, नौजवान के लिए, सैनिक के लिए, किसान के लिए, किसान निधि की बात करते हैं, किसान निधि की बात करते हैं, कहते हैं बहुत खुश होना चाहिए किसानों को क्योंकि हमने किसान निधि दी है, बहुत अच्छा। जब आपदा आती है